अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वेलकम टू माय चैनल पॉली सब्जेक्ट लेक्चर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवल साउंड्स इन फोनेटिक विद देयर सिंबल्स, साउंड्स एंड वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स? The speech sounds which are produced with some sort of obstruction of the airflow in the vocal tract are called consonants. Consonants ऐसी sounds होती हैं जो हमारे vocal tract के through थोड़ी सी obstruction के ज़रिए pronounce होती है, ठीक है। In linguistics there are 24 consonant sounds. Linguistics में या phonetics में हम कह सकते हैं कि 24 consonant sounds होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉवल साउंड्स। वॉवल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं? अ वॉवल इज अ साउंड वेयर एयर इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स, इज नॉट ब्लॉक्ड बाय माउथ और थ्रॉट। ऐसी साउंड जो कि हमारे ऐसी साउंड वॉवल साउंड कहलाती है जब एयर हमारे लंग्स से होती हुई कोई भी वर्ड जब प्रोनाउंस होता है, जब एयर बाहर आती है हमारे वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, तो जो आवाज़ होती है या जो हवा होती है वो ब्लॉक नहीं होती हमारे माउथ के ज़रिए से, चाहे वो थ्रॉट के ज़रिए या गले के ज़रिए से होती है, ठीक है। ये साउंड्स क्या कहलाती हैं? वॉवल साउंड्स कहलाती हैं। इन फोनेटिक देयर आर 12 वॉवल साउंड। कितने हैं? 12 वॉवल साउंड। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 5 होते हैं। अच्छा, फिर हम इनकी साउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। इसमें हम सैम्पल्स के साथ साउंड्स और वर्ड्स, ठीक है, हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड है पी, पी साउंड इसकी क्या है? पा, पा, पा। वर्ड इससे क्या बन रहे हैं? पिन, पैन, ठीक है। और ये क्या होंगी? वॉइसलेस, ठीक है। जब वोकल ट्रैक्ट हमारा वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है, वॉइसलेस होंगे। बाइलेबियल होते हैं पी। जब आप पी को प्रनाउंस करेंगे तो आपके जो दोनों लिप्स होंगे आपस में जो है ऐसे अटैच होंगे, ठीक है, पी प्रेस हो जाएंगे पी। और प्लोसिव होते हैं। जब हम पी को प्रनाउंस करते हैं तो क्या होता है? इनिशियल ब्लॉकेज होता है पी। आप खुद प्रनाउंस करके देखें तभी आप इमेजिन करेंगे कि ये बिल्कुल वर्ड ऐसे ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी। सिंबल हमारे पास क्या है? बी। सिंबल क्या है? बी। साउंड क्या है? बा, 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 ठीक है। इससे वर्ड क्या बन रहे हैं? बैट और बेयर, बैट एंड बेयर। अब ये भी ये वॉइस्ड है, ठीक है, बी। जब आप बी को प्रनाउंस करते हैं तो हमारे वोकल ट्रैक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट बी, ठीक है। और ये भी बाइलेबियल होते हैं, यानी हमारे जो लिप्स हैं आपस में क्लोजली अटैच हो जाते हैं या प्रेस हो जाते हैं बी, ठीक है। आप प्रेस करके देखें आपको, तभी आपको थोड़ा इस चीज़ के बारे में कंसेप्ट होगा। नेक्स्ट जो है, और ये प्लोसिव भी है, इनिशियल ब्लॉकेज पी। बी को, बी को आप हमने किया और बी, अब बी को करें, जब बी को करेंगे आपको इनिशियल ब्लॉकेज फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी। सिंबल हमारे पास क्या है? टी। इसकी साउंड क्या है? टा, टा। वर्ड क्या है? टी, टीम, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स आ रहे हैं वॉइसलेस। वही बात मैंने वॉइसलेस आपको पहले भी बताया कि वोकल ट्रैक जो हमारा है वो वाइब्रेट नहीं करेगा। एल्वियोलर, ठीक है। अगर आप हमारे टीथ के बिल्कुल, अगर हम अपनी टंग को जो है टिप टिप करें ना हमारे जो है टीथ के बिल्कुल अगले वाली साइड पे, तो आपको वो जो है ना जगह फील होगी, उसको क्या कहते हैं? एल्वियोलर। थोड़ा सा ऐसे जो उभार सा होता है हमारे बिल्कुल दांतों से थोड़ा आगे, उसको कहते हैं एल्वियोलर रिज। इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें, अ साउंड डैट इज़ प्रोड्यूस बाय टैपिंग द टंग अगेंस्ट एन एरिया बिट बिहाइंड द टीथ। वही मैंने बात की कि बिट बिहाइंड द टीथ, अगर हम टीथ से थोड़ा सा आगे हम अपनी टंग को रखें या छुएं तो जगह हमें फील होती है, थोड़ा सा उभार सा होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? एल्वियोलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कौन सी है साउंड? डी, डी। सिंबल हमारे पास क्या है? डी। साउंड इसकी क्या होंगी? डा, डा। वर्ड क्या है? डी, डैम, ठीक है। वर्ड भी वही आ रहा है।
डी की अगर हम देखें तो ये वॉइस्ड है, ठीक है, हमारे वोकल ट्रैक जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। एल्वियोलर का मैंने आपको पहले बताया और प्लोसिव भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, इसमें प्लोसिव भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं के, सिंबल क्या है के, साउंड क्या है का का, ठीक है, वर्ड वर्ड क्या होगा कैच कैचरल, ठीक है, ये भी वॉइसलेस होगा। जब हम इसको प्रनाउंस करेंगे इस वर्ड को के को, तो हमारे जो वोकल ट्रैक्ट होंगे वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, और ये प्लोसिव भी होंगे। इनिशियल ब्लॉकेज जब आप देखें के इनिशियल ब्लॉकेज होगा, ठीक है, लेकिन फिर आवाज़ स्लोली स्लोली जो है रिलीज हो जाएगी, पहले ब्लॉकेज आएगा उसके बाद आवाज़ रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, जी ठीक है, ये सिंबल है। फिर साउंड गा गा, वर्ड क्या है गेम गेम गेट, ठीक है, जी अगर हम पढ़ें ये वॉइस्ड है, जी को जब आप प्रनाउंस करेंगे तो हमारे जो वोकल ट्रैक्ट होंगे ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और ये प्लोसिव भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो साउंड है टी एंड साथ जो है एक सिंबल दिया हुआ है, इसकी साउंड के चा चा क्या है चा, और वर्ड क्या है च चैन, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं तो ये वॉइसलेस है, ठीक है, वॉइसलेस है, और प्लेटो एल्वियोलर, ठीक है, प्लेटो हमारे जो पैलेट होता है वो हमारे इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डी थ्री सिंबल हमारे पास क्या है D3, इसकी साउंड क्या है जा जा, वर्ड क्या है जैम एंड जार, ठीक है, D3 कौन सा हमने वर्ड पढ़ा है D3। अब इसको आप प्रनाउंस करें आप देखेंगे कि वॉइस्ड होगा, ठीक है, वॉइस्ड क्या होगा, इसमें हमारे वोकल ट्रैक जो हैं क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और एफ्रिकेट होंगे, ठीक है। एफ्रिकेट के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि एक्चुअली में एफ्रिकेट क्या होता है। एफ्रिकेटिव कंबाइंस प्लोसिव विद फैरिकेटिव क्वालिटीज, फर्स्ट ब्लॉकिंग द एयर स्ट्रीम एंड देन स्लोली रिलीजिंग इट, ठीक है। इसमें क्या ये भी प्लोसिव की तरह भी हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो है ना ये ब्लॉक कर देती है एयर स्ट्रीम को, ठीक है, जब हम कोई वर्ड प्रनाउंस करते हैं तो फर्स्टली ये ब्लॉक्ड हो जाता है, फिर स्लोली जो है ग्रेजुअली ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ की, एफ हमारे पास सिंबल क्या है एफ फा, ठीक है, फा सिंबल क्या है एफ, साउंड क्या है फा, और वर्ड क्या होगा फैन फास्ट, ठीक है, ये भी वॉइसलेस होगा, लेबियोडेंटल होगा, लेबियोडेंटल यानी हमारे टीथ और हमारी जो है लिप्स, जब ये आपस में इन कंट्रास्ट आ जाएं तो ये लेबियोडेंटल कहलाता है, ठीक है, लेबियोडेंटल, जब आप एफ एफ प्रनाउंस करेंगे आपको फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी की, ठीक है, वी वा वा, साउंड क्या है वा, वर्ड्स क्या बन रहे हैं वेल वेल, ठीक है। अब हम वी के बारे में देखते हैं, वी जब हम वी प्रनाउंस करते हैं तो क्या होता है ये वॉइस्ड होता है, ठीक है, हमारे वोकल ट्रैक्ट इसमें वाइब्रेट करते हैं। लेबियोडेंटल वी आप प्रनाउंस करके देखें, जो हमारा नीचे वाला क्या उसका नाम नीचे वाला जो लिप्स होगा और ऊपर वाले जो दांत होंगे आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला जो हमारे पास सिंबल है था का, ये क्या है था, इसकी साउंड क्या है था था, वर्ड क्या थिन थाम, ठीक है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा इसकी जो क्लासिफिकेशन करें या डिस्क्रिप्शन करें तो हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है इसकी क्या है ये वॉइसलेस है, ठीक है, आप अनाउंस करके देखें था वॉइसलेस है, ठीक है। डेंटल था, ठीक है, इसमें हमारे टीथ यूज़ होते हैं, ठीक है, थीके? अच्छा फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो नेक्स्ट सिंबल है इसकी साउंड क्या है डा डा डा, दिस वर्ड क्या है दिस, ठीक है, ये भी वॉइस्ड है, ठीक है, और इसमें डेंटल इसमें भी हमारे टीथ यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस, एस सिंबल क्या है एस, और साउंड क्या है सा सा, और वर्ड्स क्या इससे बन रहे हैं सा सेम, ठीक है, सा सेम, ये भी वॉइसलेस हैं, ठीक है, एल्वियोलर हैं, फेरिकेटिव, ये आपको मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ठीक है, सिंबल क्या है जी, साउंड जा
ज़ा ज़ा वर्ड क्या है ज़ेब्रा ज़ू ठीक है ये भी वॉइस्ड है ठीक है इसमें वोकल ट्रैक्ट हमारे जो है ना वो वाइब्रेट करेंगे एल्वियोलर और फेरिकेटिव होंगे ठीक है आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है सिंबल ये वाला इसकी साउंड क्या है शा शा शेम श्योर ठीक है ये वॉइसलेस हैं प्लेटो एल्वियोलर हैं और फेरिकेटिव हैं ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट ये थ्री लिखा हुआ है जेड शेप में ये यजा इसकी क्या है साउंड यजा ठीक है विजिट वियन इसकी वर्ड्स बन रहे हैं ठीक है ये भी क्या है वॉइस्ड हैं प्लेटो एल्वियोलर हैं और फेरिकेटिव हैं ठीक है ये इसमें क्लासिफिकेशन इसकी डिस्क्रिप्शन हैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल एच ठीक है साउंड क्या है हा हा ठीक है और वर्ड क्या है हैट एंड हैन ये वॉइस्ड है जो हमारी गले से आवाज़ निकल रही होती है ठीक है हा ठीक है ये क्या है वॉइस ग्लोटल वही बात आ गई जो गले से आवाज़ निकल रही होती है ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम एम मा साउंड क्या है मा और वर्ड क्या है मैट मैस ठीक है एम अगर एम को प्रनाउंस करें तो आप देखेंगे ये तो उनके हमारे जो वोकल ट्रैक्ट होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे ठीक है वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट करेंगे वॉइस्ड होंगे बायलेबियल होंगे और नेजल होंगे ठीक है यानी नाक से आवाज़ निकलेगी ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन की सिंबल क्या है एन ठीक है एन साउंड क्या है ना ना और वर्ड क्या है नाओ न्याओ ठीक है अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें इसकी फीचर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं इंटेलिजेंट ये हैं वॉइस्ड एन एन ठीक है वॉइस्ड हैं एल्वियोलर हैं और नेक्स्ट क्या है नेजल ठीक है हमारे नाक से आवाज़ निकल रही होती है एन की ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले देखें सिंबल ये जो सिंबल एन थोड़ा सा टेढ़ा कर करके लिखा हुआ है इसकी जो साउंड्स हैं इंक इंक की साउंड देते हैं ठीक है वर्ड्स क्या हैं सिंग बिंग ठीक है इंक की साउंड देते हैं ये भी वॉइस्ड हैं वेलर हैं और नेजल हैं ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एल एल ठीक है साउंड क्या है ला ला और वर्ड्स क्या हैं लैग लैम ठीक है ये भी वॉइस्ड हैं एल्वियोलर हैं ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंबल क्या है आर आर ठीक है आर क्या है रा साउंड इसकी क्या है रा और वर्ड ड्रैट रेयर ठीक है ड्रैट रेयर ये वॉइस्ड हैं ठीक है और प्लेटो एल्वियोलर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जे जे सिंबल क्या है जे इसकी साउंड के या वर्ड क्या है यस यल ठीक है ये भी क्या है ये वॉइस्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यू की डब्ल्यू सिंबल डब्ल्यू है साउंड क्या है वा वा और साउंड क्या वेट वेट वेयर ठीक है इसमें ये भी वॉइस्ड है बायलेबियल हैं ठीक है डब्ल्यू बायलेबियल आप देखेंगे कि आपकी जो लिप्स हैं ये आपस में इन कॉन्ट्रास्ट होंगे ठीक है और प्रेस्ड हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉवल साउंड्स की सिंबल साउंड्स और वर्ड्स की सबसे पहले आप देखें ये जो आई है रेशो के साथ ठीक है इसकी साउंड क्या है डबल ई की साउंड निकल रही है ठीक है डबल ई ई ठीक है ई लॉन्ग वॉवल है ठीक है वर्ड इसकी क्या है ईट एंड सीट जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड सिंबल क्या है आई ठीक है इसकी साउंड क्या है ई शॉर्ट वॉवल ठीक है इसमें लॉन्ग नहीं है फर्स्ट में डबल ई था लॉन्ग था अब ये शॉर्ट है इसके वर्ड्स क्या हैं इट सिट ठीक है सिंबल हम फिर तीसरा हम पढ़ते हैं तीसरा क्या है ई ठीक है इसकी साउंड क्या है ई ई वाई ई ठीक है वर्ड क्या है एंड लैंड ठीक है। नेक्स्ट सिंबल जो है हाइब्रिड में है मिक्स हैं ठीक है ज्वाइंट है और ए और ई जो है ठीक है इसकी साउंड क्या है ए ठीक है ए आगे हम वर्ड्स को देख लेते हैं इससे पॉसिबल वर्ड्स कौन कौन से हैं एरो एंड एक्स ठीक है। नेक्स्ट सिंबल जो है हमारे पास थ्री रेशो में लिखा हुआ है साउंड इसकी क्या है आर ठीक है आर आर वर्ड्स क्या हैं अर्न लर्न ठीक है फिर सिंबल हमारे पास ये नेक्स्ट वाला है आ आ ठीक है आ वर्ड इसकी क्या है आप काप ठीक है। नेक्स्ट वाला सिंबल आप देखें जो है ये साउंड दे रहा है ए ए एगो एज ठीक है वर्ड्स इसके
नेक्स्ट जो सिंबल है सी उल्टा और ए उल्टा, ठीक है। साउंड्स इसकी क्या है, ओ यू ओ, ठीक है। वर्ड्स इसकी क्या है, ऑन ऑक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सी उल्टा है रेशो के साथ, इसकी साउंड्स है ओ ए, ठीक है, ओ ए। जैसे वर्ड्स क्या है, टॉल स्टॉल, ओ ए की साउंड आती है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास यू ओवर यू, ठीक है, दोनों यू हैं, इसकी साउंड क्या है, जस्ट ओ है, ठीक है। वर्ड्स क्या है, गुड वुड, देखें एक है, चाहे इधर दो यूज़ किए हुए हैं, लेकिन क्या है जो प्रनाउंसिंग साउंड आ रही है वो जस्ट एक की आ रही है, गुड वुड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यू जो है रेशो के साथ, दोनों रेशो के साथ हैं, इसकी साउंड्स डबल ओ में आ रही है, ठीक है। वर्ड्स क्या है, फूल स्कूल, आप प्रनाउंस करके देखें, ये लॉन्ग वोवल है, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल क्या है, ए, ठीक है, उसकी साउंड क्या है, ओ ए। जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्ड्स देख लेते हैं, कॉट कार, ठीक है, डबल ए इसकी, कार कार्ट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी जगह कोई हेजिटेशन हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।